अमृतसर के पिंड काले विच एक महिला नूं मुंडा ना जमना इन्ना महंगा पिया कि उसके पति ने उसका कतल कर दिता। लवली नां दी एह महिला पहला भी एक बार कुड़ी नूं जन्म दे चुकी है अते मुंडे दी चाह दे विच इसके पति ने पहला भी दो बार इसका गर्भपात करवा दिता सी। जब महिला ने होर बच्चा ना पैदा करन दी जिद की तो उसके पति ने उसकी हत्या कर दी अते उसकी मौत नूं करोना वायरस का ना दे के संस्कार कर दिता। लवली के पिता ने जब उसका पोस्टमार्टम करवाया तो उसकी हत्या का राज खुलिया। पुलिस वालों उसके पति सस अते सहुरे ते मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दूजे पासे महिला के परिवारिक मैंबरां वालों इंसाफ की मंग की जा रही है। कलविंदर कौर लवली जी ये गुरनाम नगर न्यू गुरनाम नगर स्टैंड रोड उपर व्याही तजेंद्र सिंह के नाल व्याही हुई जी। तो ये सहुरे का नाम कुलवंत सिंह आ, सस कश्मीर कौर दी, दो देवर ने रविंदर सिंह रवि और गुरप्रीत सिंह गोपी। और ये मेरी सिस्टर ना जो मेरी मैरिज 23/1/2011 की हुई, मेरी भैन की मैरिज आफ्टर कोई साल के बाद ही इन्ह लोगों ने उन्होंने ना तंग परेशान करना शुरू कर दिया। पहला परेशान करने का कारण यह कि उसके घर जिहड़ा बच्चा बहुत देरी ने पैदा होया, बच्चा देर ने पैदा होने करके इन्हों ने परेशान करना, ताने मैने मारने, फिर मार कटाई शुरू कर दी इन्होंने लोगों ने। तो फिर असी इस दरम्यान मैं अपनी भैन का काफ़ी इलाज करवाया जी, डॉक्टरी इलाज करवाया। और डॉक्टरी इलाज दौरान चलो वह परमात्मा ने कृपा की, वो घर 5-6 साल बाद घर बेटी ने जन्म लिया जिड़ी कि इस टाइम 4 साल की उम्र उस बच्ची की। और जब 4 साल की बच्ची हूँ 4 साल की जो बच्ची पैदा हुई घर, तो इन लोगों ने इस चीज़ में कहा भी जे देरी बच्चा पैदा होया तो और पैदा भी लड़की होगी। उस दरम्यान इन्होंने होर उन्होंने ज़्यादा टार्चर करना शुरू कर दिता और हर समय बच्चा पैदा होने तो पहला भी मेरे को बार बार पैसे की डिमांड करते सन। तो मैं हर बार पैसे ना दे के भी मैं सोचा कि जे मेरी भैन का घर बसता है तो कोई गल नहीं, मैं उस चीज़ का भी एग्री हों हर चीज़ ना। ब्याह भी इन्होंने डिमांडा कर करके पूरा मेरे को लिया, हर तरह का मैं दाज दहेज बाइक सोना सब कुछ दिता, हर चीज़ दिती अपनी भैन जो बनती समाज ने वध के किया। और इस समय भी लड़की पैदा होने तो बाद भी इन्होंने होर ज़्यादा टार्चर करना शुरू कर दिता। और इन्होंने पैसे की बहुत भुख रखी है, बंदे ने दाज की हमेशा भुख रखी आ। और एक लड़का पैदा ना होने करके घर लड़की पैदा हुई, इस कारण करके उन्होंने होर ज़्यादा उन्होंने परेशान करते मेरी भैन। हूँ लास्ट मूवमेंट के उपर भी इन्होंने ये जिहड़ा तजेंद्र सिंह है ये अपना वेरके विखे अपना मकान बना रहा जी। तो इस दरम्यान इन्हें मेरी भैन फिर मारकुट करके इन्हें घल्लिया कि आपके पेक्यां दे कोलों 5 लाख रुपया लै गया, ठीक है। तो मैं इन्हू समझाया, चलो समझा बजा के टोरिया कि भैन अपनी फिर घलाया कि कोई गल नहीं मैं अरेंज करता वा, जिन्हें मेरे को बाद तो समर्था होएगी तो मैं तेनों देवगा, दे जाऊँगा तेरे घर आके तेरे परौने ठीक है, तेरे सास सहुरे दे जाऊँगा आके। तो इस दरम्यान कि मैं इनू पैसे पहुँचाने तो पहला मेरे उत्थे इन्हां लोगों ने तशद करके मेरी भैन कुट मार के उहदे गला कुट के उहदी हत्या कर दी 21 अप्रैल नूं इन्हां लोगों ने, जिहदे विच मुख दोषी जिहड़े ने ये पहला भी ये 4 बंदे जिहड़े ने इहदा पति, इहदा सस सहुरा और इहदा देवर रवि जिहड़ा रविंदर सिंह रवि, ये पहला भी ही जदों भी असीं जदों भी इन्हां नूं समझाया बचाया अपने परिवार च बह गए अपने च, तो उदों भी समझाया बचाया तो हमेशा जिहड़े दोष ही ये 4 बंदे तो आउंदे ही हमेशा परे दे विच बैठ के साडियां च परिवार च भी हमेशा ये 4 बंदे ही ज़्यादा उन्हां टारगेट करदे सन, जदों कि जिहड़े इहदे परिवार च बाकी 3 मैंबर रहिंदे ने दोष उन्हां दा भी आ कि वह भी परेशान करते सन, लेकिन ये लोग जिहड़े ने कि इहनू कुटदे मारदे भी जिहड़े ज़्यादा ये लोग सन 4 बंदे। तो अज भी मेरी भैन की जिहड़ी मौत का कारण जिन्हां ने हत्या की इन्हां 4 बंदिआं ने मुख तौर दे उत्ते ये दोषी ने इन्हां ने, और जिन्हां दे उत्ते मैं फिर FRI दर्ज करवा के 302 का मुकदमा और 34 नाल लगी आ, ठीक है। तो इन्हों मैं अफसर साहब न बेनती करूँगा अपने कमिश्नर साहब न और सारे पुलिस अमले के मुखिया कि मैनू इन्ह दोषियों वो तो वह सज़ा दी जाए, ईवन इन्हों कोई अधिकार नहीं इस इन्हों लोगों भी जेडे औरत जात अत्याचार करके उन्होंने मेरी भैन का जरा कतल किया, इन लोगों समाज में विचरण की कोई भी अधिकार नहीं आ। और मैं चाहना चलते सवासा तक ये लोग मरण तक जेल के ही रहने लोग कि इन तो होर लोगों जेडे जिन्होंने यह बदकारियां करनिया ने यह करने ने उन्होंने कोई सोची मिल सके और सोचन और डरन कि ये क्राइम यह जहाँ अगे ना कि हो पाए समाज में। मैं बेनती करता कि अफसर साहबान सख्त तो सख्त कार्रवाई करके इन लोग दोषियों सज़ा देन और मेरी भैन की आत्मा इंसाफ होवे और साढ़े भी कोई जख्मों के उत्ते
ਮਲਮ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰੀ ਸੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਮਰ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਸਰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਈਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਈਦਾ ਵਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋਨੇ ਨਾਲ ਮਰ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਜੇ ਕਰੋਨੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਈਏ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀ ਸਾਬਤ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਸ਼ਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਝੂਠਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰੋਨੇ ਵਾਲਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ 302 ਲੱਖ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਨਾਲ 34 ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ 302 ਦਾ। 21/4/2020 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਏਲੀਅਸ ਲਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ FSL ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਉਹ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 184 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 302(34) IPC ਦੋਸ਼ੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ, ਇਹ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਥਾਣਾ ਬੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਕੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਾਰਨ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ ਔਰ ਲੜਕਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਔਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।